लोगों को यहाँ पे, कुछ लोगों को लगता है, आई एम श्योर लगता है, कुछ लोगों ने ऐसे कमेंट्स भी किए हैं हो सकता ना भी लगता हो। मेरा कोई अहले तशी की तरफ कोई हल्का हाथ है या कोई ओ, अच्छा, हाँ। तो आज मैं ना थोड़ी सी डिग लेने लगा हूँ अहले तशी के ऊपर। अच्छा, आपको पता पाकिस्तान में पिछले दिनों जल्द, अच्छा मुझे खुद नहीं पता था इस बात का, मुझे रिसेंटली पता चला। तो पाकिस्तान में जल्द आया ना कल परसों, ये जो आया वो किधर आया, लाहौर में, इस्लामाबाद में? नहीं, लाहौर में भी आया है, इस्लामाबाद में भी शॉक्स महसूस किए गए हैं, यानी कि काफी बड़े एरिया पे था। उसका एपिसेंटर एग्जैक्टली क्या था वो मुझे नहीं पता, लेकिन काफी मल्टीपल शहरों में महसूस किया गया। तो उसमें झटके, हाँ झटके। तो उसमें क्या पता चला मुझे कि एक शिया घर के अंदर, और अपेरेंटली फिर मैंने एक दो शिया लड़कों से बात की, तो अपेरेंटली ये एक से जायद, यानी कि ये इतनी कोई अनकॉमन या कोई वन ऑफ आइटम नहीं थी। वो खातून जो है, शिया खातून जो है, वो जमीन पे बैठ गई और उन्होंने जमीन पे हाथ रख के कहा, अली की बेटी थम जा। अच्छा, पहले अच्छा उसने ये जब मुझे बताया, मैं पहले सोच में पड़ गया, मैंने कहा यार अली की बेटी जमीन, कुछ बात समझ नहीं आ रही। फिर मेरे दिमाग ने एकदम क्लिप किया, क्योंकि हजरत अली का जो एक वो, नहीं नहीं वो वाला नहीं, 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 नहीं उनका, उनको लकब दिया गया था हजरत मोहम्मद की तरफ से अबू तुराब, ठीक है, मिट्टी का बाप। तो मैंने कहा अच्छा कहां मिट्टी, ये तुराब एक्चुअली मिट्टी होती है, जमीन नहीं होती। तो मैंने कहा कहां मिट्टी, उन्होंने उसको ट्रांसलेट करके कि ये जमीन जो है वो अली की बेटी है, क्योंकि वो अबू तुराब है, तो उन्होंने कहा अली की बेटी थम जा। मैंने कहा यार ये कौन लोग है, कौन लोग है ये, तो कोई कोई हाल नहीं नहीं, लेकिन नहीं इमेजिन करें ना, क्योंकि जलजला सुना बड़ी देर तक ये ट्रेमर्स फील होते रहे इस दफा, हाँ आई डोंट नो, लेकिन और कोई नहीं, लेकिन अच्छी बात है, नुकसान भी कोई नहीं हुआ उसका। और और मैं रिक्टर स्केल पे कितना था, कोई बता रहा है, कोई 7 मैग्नीट्यूड था, 7 था, 6.8 इन पाकिस्तान, 6.8 इन पाकिस्तान लिखा हुआ, इवन देन दैट्स ये तो अच्छा खासा है। डिफरेंट एरियाज में मुख्तलिफ, मैंने जो नंबर सुना था वो 5.5 था, 5.5। हां ओके, दैट मेक्स सेंस कि 5.5 में ऐसा कोई कुछ नहीं होता होता, क्योंकि 6 से ऊपर जो होता है ना, फिर यहां पे घर शैंटी बने होते हैं तो नुकसान हो जाता है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं, इमेजिन करें वो सीन हुआ होगा, वो उन्होंने किया होगा, वो एवेंजर्स की तरह उन्होंने नीचे हाथ रखा होगा जमीन पे, अली की बेटी थम जा, सारे उनके बच्चे होंगे काफी सारे, उनका भी बिलीफ शिया में ही होगा, बच्चों के जहन में बातें बैठ जाती है ना, तो उसी वक्त ही कोइंसिडेंटली जलजला आहिस्ता आहिस्ता रुक गया होगा। हाँ एग्जैक्टली, अली या अली, ये इस तरह की उस वक्त अगर कोई ये कह देता था, ए बाज आ जा ए अबू जहल दे सालिया, ये हाल है लोगों के, वैसे ठीक है। फिर इसी तरह वो जो आपके जो लीडर के जो है ना, पीर पाकपतन शरीफ वाले बुजुर्ग जो है, बाबा फरीद शकरगंज, उनके बारे में मशहूर है कि उन्होंने ना बिजली को लोटे में बंद कर दिया था, ये जो आसमानी बिजली नहीं होती उसको लोटे में। तो जो उनके मानने वाले ना, उनकी भी एक एक लाइन है, वो कहते हैं या बाबा फरीद शकरगंज कर दे बिजली बंद, जब भी वो इस तरह के स्टॉर्म वगैरह आते हैं तो उन्हें कहते हैं बिजली बंद करा दे। वो बिजली, मेरे ख्याल इंजीनियर साहब ने वाकई सुना है लोटे में बिजली बंद, हां ये लोटे में, तो बिजली, अच्छा बंद, देखो बिजली कितनी खतरनाक जगह पे गई है, लेकिन अच्छा वो अकड़ जाएगी चीज। कि इतने जालिम इनके बाबे, इनके लेसन, इस तरह की कहानियों के लेसन होते हैं ना, आर्किटाइप्स और ये जो भी है मॉरल होता है स्टोरी का। एक बाबे की इनकी कहानी है कि वो बाबे ने उनका मुरीद, उसको लोटा ला के दिया, उसने उसने लोटे का ना जो चुंज है ना वो काबे की तरफ रख दी, या उसकी पीठ काबे की तरफ कर दी, पता नहीं लोटे की यानी चुंज ऑपोजिट टू काबा, तो उसकी पीठ तसव्वुर से किया उसकी पीठ काबे की। उसने कहा, उसे बाबे को इतना गुस्सा चढ़ा, बाबे ने एक निगाह मारी, उसको चला के भुजम कर भस्म कर दिया उसका, और फिर उसने लोटे की तरफ देखा, लोटा खुद ही सीधा हो गया। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं अपना पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।